हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल समृद्धि टीवी पर। तो आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर नंबर 4, क्लास 9th के चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इस चैप्टर का हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 आज डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको पहले ही बता दूँ कि इसमें एक्सरसाइज 4.3 के जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें दो पार्ट्स हैं। एक ये देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है, दो फिगर दे रखे होंगे, एक 4.6 और एक 4.7। तो मैं आपको इसमें इन दोनों में से एक ही कराऊंगा, क्योंकि अगर मैं आपको एक करा दे रहा हूँ दूसरा आपको समझ में आ जाएगा, दूसरा आप खुद से करिएगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन। तो हमको यहाँ पर इक्वेशंस दे जो है बता, मतलब हमको ग्राफ दे रखा है, ग्राफ में आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये है हमारा ग्राफ, ये ग्राफ हमको गिवन है, इसमें कुछ पॉइंट्स हमको गिवन है, ठीक है। और इन पॉइंट्स में हमको क्या बताना है, ये जो हमको दे रखे हैं इसके इक्वेशंस, इन इक्वेशंस में हमको बताना है कौन सा जो है उस ग्राफ का इक्वेशन है, ठीक है। हमको चार इक्वेशंस दे रखे हैं, हमको इसको बताना है कौन सा उस ग्राफ का इक्वेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू x, यही है ना। तो यहाँ पर हम अब देखते हैं फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा -1 और जो है हमारा x है -1 और y है हमारा +1। तो y हम 1 ले रहे हैं, इक्वल्स टू -1। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। फिर हम सेकंड पॉइंट लेंगे y इक्वल्स टू x में ही, सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, 0 0 है, तो 0 इक्वल्स टू 0 हो गया। यहाँ पर अगर हम इसको तीनों जो है पॉइंट्स इक्वल मिलेंगे तभी हमारा ये सेटिस्फाई करेंगे, नहीं तो नहीं। यहाँ पर x हमारा जो है 1 है, y इक्वल्स टू x, x हमारा है 1 और हमारा वो है -1। तो ये हमारा, हमको देख लीजिए, हमें जो है इक्वल वैल्यूज़ नहीं मिल रहे, तो हमारा ये सीधा हो जाएगा नो, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन है हमारा x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट में है हमारा -1 +1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस, तो 0 इक्वल्स टू 0 ये हमको मिल गया, 0 इक्वल्स टू 0 ये हमको मिल गया। सेकंड देखते हैं इसी का, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 का ही। तो यहाँ पर हमारा x भी 0 था और y भी 0 था, तो हमको 0 इक्वल्स टू 0 ऐसे ही मिल जाएगा। थर्ड पार्ट देखते हैं हम, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, x हमको क्या दे रखा है 1 और y -1, x 1 y -1 प्लस -1 इक्वल्स टू 0 ये दे रखा है। तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको कर दे रहा हूँ। तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 -1 हो जाएगा, 1 -1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 0 0 इक्वल्स टू 0, तो हमारा ये हो गया येस, ठीक है। ये तीनों देख लीजिए, यहाँ पर ये वाला भी सेटिस्फाई कर दे रहा है, ये भी और ये वाला भी, ठीक है। थर्ड इक्वेशन देखते हैं, वाई इज इक्वल्स टू 2x, वाई इज इक्वल्स टू 2x है, वाई इक्वल्स टू 2x। तो y हमको फर्स्ट वाले में क्या दे रखा है, y दे रखा है 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू -1, तो यहाँ -2 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, 0 0 दे रखा है, तो 0 0 है, तो ऐसे ही हमारा y इज इक्वल्स टू x आ जाएगा, ठीक है। y इक्वल्स टू 2x है, तो 0 इज इक्वल्स टू 0 ये आ जाएगा हमारा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद 2 भी 0 जाएगा। थर्ड पॉइंट हमको दे रखा है 1 -1, तो y इज इक्वल्स टू 2x
और यहाँ हमारा वाई है माइनस वन, टू इंटू वन, तो हमारा टू इज इक्वल्स टू माइनस वन। तो ये हमारा, ये भी नहीं है हमारा, नो। फोर्थ देखते हैं हमारा क्या है, फोर्थ हमारा है टू प्लस थ्री वाई, टू प्लस थ्री वाई, टू प्लस थ्री वाई इज इक्वल्स टू सेवन एक्स। ठीक है, ये है, ये टू है आपका, तो टू प्लस थ्री वाई हमारा क्या देखा है, वन, एक्स सेवन इंटू माइनस वन, हमारा क्या आ जाएगा, हाँ तो यहाँ पर फाइव आ जाएगा हमारा, इक्वल्स टू माइनस सेवन, ये आ गया। आगे देखते हैं, टू प्लस थ्री वाई इज इक्वल्स टू सेवन एक्स, तो यहाँ पर हमको ज़ीरो ज़ीरो दे रखा था, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, इसको जब हम थ्री को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा ज़ीरो हो जाएगा, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस टू, तो टू इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाएगा। तो मतलब ये भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि हमारा एक टर्म, एक पॉइंट इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। फिर वन माइनस वन, तो टू प्लस थ्री वाई इज़ इक्वल्स टू सेवन एक्स, टू प्लस थ्री वाई, वाई हमारा क्या था, माइनस वन, माइनस वन इज इक्वल्स टू सेवन इंटू वन, तो यहाँ आ जाएगा सेवन इज इक्वल्स टू माइनस थ्री, और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ हमारा क्या जाएगा, माइनस वन इज इक्वल्स टू सेवन। तो ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमारा कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पर ये वाला। तुम क्या लिखेंगे यहाँ पर अपने आंसर में, हम ये लिखेंगे देयरफोर इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर टू लिखिए, या फिर डायरेक्ट आप इक्वेशन ही लिखते देते हैं डायरेक्ट। देयरफोर एक्स प्लस प्लस वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो सेटिस्फाई द ग्राफ फोर पॉइंट सिक्स। ठीक, तो ये हो गया हमारा आंसर। हमें पता चल गया कि हमारा जो है सेकेंड वाला इक्वेशन जो है एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये हमारा 4.6 वाले ग्राफ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी बटन को भी दबाएं, जिससे आपको क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के सॉल्यूशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।